नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल JOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे JOVPVT यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार में 30% तक कम हो सकती है बिजली दर, आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। बिहार में जल्द ही 30% बिजली दर हो सकती है सस्ती, जिस पर अभी कोई अंतिम फैसला तो नहीं लिया गया है, मगर जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। ज्ञात हो, हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग की पटना में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इतना ही नहीं, बैठक में बिजली की दर को कम करने के लिए कार्यक्रम में कई सारे तर्क को भी दिया गया था। सभी निगम कर्मी एक बार फिर उतर सकते हैं सड़कों पर, पटना के सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर से अपना काम बंद करके सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत ये सभी कर्मी संभावित तौर पर 27 फरवरी को सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएंगे। आपको बताते चले, दैनिक कर्मियों को हटाए जाने के फैसले के विरोध में ये सभी कर्मी 3 से 8 फरवरी तक सड़कों पर थे, जिसके बाद से पटना में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी खराब हो गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्रों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए 69 पदों पर आवेदनों की मांग की है, जिसकी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक आवेदन की मांग की है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक के पहले दिन की परीक्षा हुई सफलतापूर्वक संपन्न। सोमवार से शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। पहले दिन साइंस की परीक्षा को 2 पालियों में लिया गया था, जहां कुल मिलाकर 15,29,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। पूरे दिन परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के अप्रिय वाक्य की खबर नहीं आई है। वहीं कुछ ऐसे केंद्र भी थे जहां छात्रों को परीक्षा से पहले चॉकलेट भी बांटे गए थे। नित्यानंद राय ने एक बार फिर की तेजस्वी यादव पर टिप्पणी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में बयानबाजी का सिलसिला भी जोर पकड़े हुए। इसी क्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि 15 साल राज करने के बावजूद आज भी राजद के पास न तो कोई विजन है और न ही अपना कोई मुद्दा। 13 अप्रैल से बिहार में केवल BS6 वाहनों की होगी बिक्री। अगर आप भी अप्रैल महीने के बाद गाड़ी खरीदने का मन बना रहे तो यह खबर आपके लिए कुछ खास है। 13 अप्रैल से बिहार में केवल BS6 वाहनों की ही बिक्री की जाएगी। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने तो यह भी साफ कर दिया है कि अब केवल BS6 मानक गाड़ियों के ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और BS4 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। समस्तीपुर में हुआ किसान मेला का आयोजन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बिहार के समस्तीपुर जिले में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने किया है। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल से किसानों को यकीन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे श्रीनिवास कुमार सिन्हा के बारे में। बिहार की राजधानी पटना में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा भारतीय सेना के जनरल थे। उन्होंने सेनाध्यक्ष के रूप में कई सारे काम किए। इतना ही नहीं, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर और असम राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाला। इसके साथ ही श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने अपने जीवन में कई सारे किताबों का भी लेखन किया है, जिसमें पाटलिपुत्र वीर कुंवर सिंह जैसे किताबों का नाम शामिल है। डीएलएड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। डीएलएड के परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि अब सभी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardvivid.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं 21 फरवरी तक आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने एडमिट कार्ड से जुड़ी त्रुटियों को भी ठीक करवा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। पटना में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद दिखे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, साथ ही सभी धर्मों के साथ मिलकर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना का हिस्सा बने। बाजार भरोसे हुई बालू की कीमत। सरकार के तमाम अटकलों के बावजूद बालू की कीमत पर नियंत्रण लाने में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही मगर बालू आम नागरिकों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होता जा रहा है। कई जगहों पर तो मनमाने रेट पर बालू की बिक्री की जा रही है। 3,700 से 4,000 में मिलने वाला बालू अब 4,500 रुपए में बाजार में मिल रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही हो सकती है बंपर बहाली। मेडिकल के सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने जल्द ही बिहार स्वास्थ्य विभाग में आयुष के डॉक्टरों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करवाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत जल्द ही 3,210 देसी चिकित्सकों के लिए अब अंकों के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, बिहार स्वास्थ्य विभाग का यह फैसला ग्रामीण तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए लिया गया है।
22 फरवरी को जेपी नड्डा आएंगे बिहार दौरे पर। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 फरवरी को बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जहां आकर जेपी नड्डा इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार के 11 जिलों में बने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जेपी नड्डा की बिहार की यह पहली विजिट होगी। सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। महेंद्रनाथ मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। नेपाल के राजा महेंद्रवीर विक्रम सहदेव ने महेंद्र गांव में खूबसूरत मंदिर को बनवाया था और इसका नाम महेंद्रनाथ रखा था। इस मंदिर के अंदर भी कई मंदिर जैसे हनुमान जी का, माता पार्वती का, राम एवं सीता जी का मंदिर है। साथ ही बटूप, भैरव और महादेव की मूर्तियां मंदिर परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में है। भगवान शिव व माँ पार्वती की एक विशेष विवाह समारोह और शिव बारात के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिलती है। जदयू के इस विधायक ने पार्टी से नाता खत्म होने का किया ऐलान। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जदयू पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसके तहत जदयू विधायक अमरनाथ गामी ने पार्टी से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अमरनाथ गामी ने बेरोजगारी को लेकर एक बयान जारी किया था, जिस पर जदयू पार्टी ने उन्हें ऐसे बयान से बचकर चलने की नसीहत भी दी थी, जिसके बाद ही उन्होंने पार्टी से अलग होने का ऐलान किया था और साथ ही यह भी कहा था कि अब किसी भी पार्टी के नहीं है। ऐसे में उनके विचार जो है वो स्वतंत्र है। मैनेजर नहीं बल्कि कार्यकर्ता के तौर पर पीके बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे नजर। जदयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने यह साफ किया है कि दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है, मगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि कार्यकर्ता के रूप में मैं नजर आने वाला हूं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आज कुछ बड़ा ऐलान करने का निर्णय जारी किया है। आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर दिया बड़ा बयान। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर पर जमकर बयानबाजी की, खासकर कि उन्होंने प्रशांत किशोर के उस बयान पर टिप्पणी की है, जिसमें प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी रणनीतियों का खुलासा करने की बात की है, जिस पर आरसीपी सिंह ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि आने दीजिए उन्हें, जल्द ही उन्हें यहां पर आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। CAA और NRC और NPR के खिलाफ जारी जनसभा को पप्पू यादव ने किया संबोधित। CAA और NRC के खिलाफ बिहार के सभी विपक्षी दल एक साथ सड़कों पर उतरे हुए। अनिश्चित समय के लिए सड़कों पर उतरे इन सभी विपक्षी दलों में से जा प्रमुख पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दे, धर्म के नाम पर राजनीति त्याग दे। रणजी ट्रॉफी में दोहरे शतक से चूके बाबुल कुमार। कटक में खेले गए रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से खेल रहे बाबुल कुमार अपने दोहरे शतक से महज कुछ रनों के अंतर से चूक गए। वहीं सिक्किम के खिलाफ उतरी टीम को ड्रॉ के साथ संतुष्ट करना पड़ा। हालांकि सिक्किम के साथ खेले गए इस मैच में पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर बिहार को 3 अंक मिले थे। वहीं बाबुल की पारी की बात करें तो बिहार के बाबुल कुमार को 195 रन पर ही संतुष्ट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ा था। रामविलास पासवान ने की बिहार के नेताओं से दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीख लेने की अपील। लोजपा नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के सभी नेताओं से प्रचार प्रसार के दौरान दिल्ली जैसी वाक्य को नहीं दोहराने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के सभी नेताओं से अपील करते हुए यह कहा है कि आने वाले चुनाव में बिहार में सभी नेता प्रचार प्रसार के दौरान भाषा पर संयम बनाए रखेंगे। ध्यान रहे जो दिल्ली में हुआ वो यहाँ ना हो पाए। ब्रॉडबैंड स्पीड में जियो फाइबर निकला सबसे आगे। वर्तमान में देश की सबसे लोकप्रिय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो फाइबर ने एक बार फिर अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसके तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो फाइबर 3.63 Mbps की औसत के साथ टॉप रैंकिंग पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर 7 स्टार डिजिटल और तीसरे पर स्पेक्ट्रा और एयरटेल जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर हुआ तैयार। भारत में दुनिया का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है। ICC ने अहमदाबाद के मोटेरा में बने दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम की ताजा तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लगभग तैयार मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की नवीनतम तस्वीर, जिसमें 1,10,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता का दावा किया गया है। BCCI और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ राज्य सरकार की मदद से बने इस स्टेडियम का उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि IPL 2020 के क्वालिफायर मैच में से कोई एक मैच मोटेरा में खेला जा सकता है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सहारन, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है।
आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,801 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,429 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.84 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.52 रुपए प्रति लीटर था। लीजा हेडन दूसरी बार बनी माँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा हेडन दूसरी बार एक बेटे की माँ बनी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है, जहां पर लीजा ने अपने पहले बेटे के साथ छोटे बेटे की तस्वीर को शेयर किया, जिसके नीचे उन्होंने लिखा है कि इस छोटे से ब्लेसिंग ने मेरे दिल को ऐसा छुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लीजा के फैंस को उनकी यह तस्वीर काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इतना ही नहीं, लीजा द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकास कुमार, प्रमोद यादव, रमन कुमार, अनिश कुमार सिंह, शोएब अख्तर ऑफिशियल, शिवा यादव, अभिमन्यु कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरके खुशवाहा, अजय कुमार, कुंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रशांत किशोर के हाल ही में दिए गए बयानों के अनुसार आपके हिसाब से उन्हें बिहार की राजनीति में किस पार्टी की तरफ से मैदान में उतरना चाहिए या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।